हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जगुड़ी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत करूँ मैं उत्तरकाशी जिले के ग्राम जोगत से, इस खूबसूरत गाँव से। तो मैं आ रखी हूँ गाँव में। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं गाँव आ रखी हूँ आजकल। तो अभी आ रखी मैं अपनी बड़ी वाली सास जी लोगों के घर में और हम लोग जा रहे हैं आज मेहंदी में। तो ये देखिए घर द्वार में कितनी गर्मी है और गांव में आके हमने स्वेटर डाल दिया, इतनी ठंड हो रही है। तब मेहंदी का दिखाते हैं आपको आगे जितना हो सके। तो बने रहे हमारे साथ और चलते हैं। ये मेरी ये ननद भी है और भाभी भी है, दोनों इसके साथ डबल डबल रिश्ते। ये मेरी भाभी है, हाँ, और ये मेरी भाभी है। तो हमारे डबल डबल रिश्ते हो गए। मतलब मेरी बड़ी वाली सास जी की लड़की है तो उस रिश्ते से मैं भाभी बन गई, और इसका जहाँ ससुराल है तो वो मेरे भैया है तो उस रिश्ते से ये भाभी बन गई। और ये है इनकी बेटी, क्या नाम है आपका? अमृता। और इन दोनों को देखो यहाँ पे रजाई में घुसे हुए हैं, एक प्रिंस और प्रिंस की दीदी पूजा। दोनों रजाई में ही नहीं, देखना इनको ठंड लग रही बहुत ज्यादा, गांव में आके बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। देखो ज्यादा ही निकाल। और इनको देखो इनका पंजाब की गर्मी है, देखिए बिल्कुल भी लग रही है ठंड, बस मुझे तो इसको सर दर्द हो रहा है। ये पंजाब में रहती है ना, दवाई भेज दो। Thank you.
तो दोस्तों टाइम हो चुका रात के 1:15 बज चुके हैं और हम लोग आके ऊपर सोने, तो हम लोग फिर से आ गए साजी लोगों के घर में। आज हम यहीं सोएंगे, ये मेरे बड़ी वाली साजी लोगों का घर है तो आज यहीं सोएंगे। हमारा घर तो बहुत नीचे है, तब सोते हैं और अब मिलते हैं सीधा सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब मिल रही मैं आप लोगों को सीधा सुबह को, और रात को जो है तो हम लोग बहुत लेट सोए थे इसलिए अभी भी लेट उठे। तो अभी भी मैं यही हूँ अपनी बड़ी वाली साजी लोगों के घर में। तो बनाई और यहाँ पे आ रखे हमारे भाई साहब मुकेश गैरवाला, जो कि शादी में आ रखे हैं, उसी शादी में जिसमें मैं थी कल रात को, और ये उनके बेटे। और इसे तो आप मिल रखे हैं, कल रात को ही मिल गए थे। बाकी अब चल रही मैं नीचे, अभी थोड़ा बड़ी वाली साजी से तो मिलाए नहीं, तो थोड़ा साजी से मिलाते हैं, थोड़ा सा घर दिखाते हैं बाहर बाहर से ही। कोई बात नहीं, मुख आता नहीं हूँ, बढ़िया जाए हूँ। तो ये है मेरी बड़ी सास जी लोगों का घर, ये देखिए इतना बड़ा घर। और ये लोग भी घर में कोई ही नहीं रहते, सब लोग जो है तो इनका भी ऋषिकेश में अपना मकान है तो वहीं रहते हैं। ये देखिए और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है सुबह सुबह को। ये और ये यहाँ पे पेड़ है चूल्हे का, इसमें चूल्हे लगे हुए हैं लेकिन अभी हरे हैं। और अब मिलवाते हैं आपको अपनी सास जी से। तो ये है मेरी सास जी, बड़ी वाली सास जी, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए सुबह सुबह। तो ये है मेरी सास जी, और जिनसे कि YouTube में आप लोग पहली बार मिले होंगे, और ये ऋषिकेश रहते हैं, हम हरिद्वार रहते हैं, और इतना ही अंतर है, ना आप आते हैं ना हम आते हैं। और बहुत अच्छी है। तो आजकल साजी घर आ रही थी तो मैंने भी रात को वहाँ नहीं रुकी, मैं अपने वाले घर में सीधे यहीं आ गई, यहाँ से शादी वाला घर नज़दीक है। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि अब मेरी बहुत सफाई करने को बाकी है, तो अब शाम को मिलूंगी सीधे साजी से। हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह के रास्ते हैं, आगे आगे प्रिंस चल रहा है और पीछे से मैं। बाकी दिव्यांश तो कल रात को ही चले गया था, तो हम लोग रात को नहीं गए, रात को अंधेरा भी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, और हमने भी सोचा कि मेहंदी में आ रखें थोड़ा डांस देख ही लेते हैं, तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं सुबह को। प्रिंस आराम आराम से चल, और ये है शादी वाला घर। बारात नहीं गया का बेटी, तेर तेर बैठे मैं हूँ। ये देखिए हम कैसे कैसे रास्तों से चल रहे हैं। सेन मैदान है, सुबह सुबह यही भाग दौड़ शुरू हो गई। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और जो कि मैंने बताया था कि रात को मैं वहीं थी बड़ी वाली सास जी लोगों के घर में, तब मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने घर की अब सफाई करती हूँ, और उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।